तुलकर्म में इसराइली सेना का हमला हुआ है, बड़ी खबर मिल रही है। बुलडोजर से तुलकर्म पर किया गया है हमला। वेस्ट बैंक का शहर है तुलकर्म। आमने सामने भिड़े आईडीएफ और हमास के लड़ाके। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर से कैसे तुलकर्म पर किया गया है हमला। और रात में ये अटैक किया गया था। हमले के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वेस्ट बैंक का शहर है तुलकर्म, जहां पर यह बड़ा अटैक हुआ है। ईरान से लेकर गाजा तक इजराइल के खिलाफ एक नया प्लान तैयार किया जा रहा है। इजरायली सेना की ताकत के आगे कमजोर पड़ रहे चरमपंथी गुटों ने एक बार फिर वही फॉर्मूला तैयार किया, जिसे दुनिया के खतरनाक आतंकी संगठन आजमा चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे संगठनों ने अब आत्मघाती दस्ता तैयार किया है, ताकि इजराइल को गहरे जख्म दिए जा सके। इसराइल को दहलाने का ऐसा प्लान कि एयर डिफेंस भी हो जाएगा नाकाम। ऐसा सीक्रेट हमला कि इसराइल के लोगों को इस तरह खतरे का कोई अलर्ट भी नहीं मिलेगा। दुश्मनों का ऐसा प्लान कि खुफिया एजेंसी मोसाद भी कुछ नहीं कर सकेगी। इसराइल की ताकतवर सेना, ये टैंक और तमाम लड़ाकू विमान भी काम नहीं आएंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के दुश्मनों का अगला प्लान बेहद खतरनाक है। इसराइल के तमाम दुश्मन अब एक होकर हमला करेंगे। रॉकेट या बारूद की जगह इंसानों को बम बनाया जाएगा। यमन में मौजूद हूती, लेबनान की सीमा पर मौजूद हिजबुल्ला और गाजा से इसराइल को दहलाने वाला हमास, ऐसे कई संगठन हैं जो अब इसराइल के खिलाफ एक नया हथियार तैयार करने में जुटे हैं। ये कट्टरपंथी गुटों का सबसे घातक, डरावना और पुराना हथियार है। इसराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए दुनिया के कई इलाकों में अब आत्मघाती दस्ता बनाने की शुरुआत हो चुकी है। ये पहला सबूत देखिए, अलक्सा शहीद ब्रिगेड ने इसराइल के लिए ये धमकी जारी की है। इसमें इसराइल को मानव बम से दहलाने की धमकी है। अब अगली तस्वीर देखिए, ये हिजबुल्ला ग्रुप के भर्ती का विज्ञापन है। इसमें लिखा है कि जो कुर्बानी देना चाहते हैं वो मानव बम बनने के लिए ईरान के मशहद पहुंच जाएं। तैयारी शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि जल्द ही आत्मघाती दस्ता तैयार भी हो जाएगा। हिजबुल्ला ने इसे जिहाद का नाम दिया है और दुनिया भर के मुसलमान युवकों से मानव बम बनने की अपील की गई है। किसी भी ताकतवर देश या सेना के लिए कई बरसों से आतंकी गुटों का फिदायीन दस्ता बड़ी चुनौती रहा है। अब इसराइल के खात्मे के लिए भी ऐसा ही प्लान तैयार हो रहा है। एक ऐसा आत्मघाती दस्ता बनाने की तैयारी है जो इसराइली सेना की ताकत को तहस नहस कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध का फिदायीन फेस 2-3 महीनों में आ सकता है। खूंखार अलक्सा फोर्स ने लड़ाकों की ट्रेनिंग शुरू की है। धर्म के नाम पर लड़ाकों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ईरान में भर्ती का अभियान शुरू कर दिया गया है। ईरान जिहादी गुटों की पूरी मदद कर रहा है और यही वजह है कि हिजबुल्ला, हमास और हूती जैसे संगठनों के पास न फंड की कमी है और न ही हथियारों की। ऐसे में आत्मघाती दस्ता तैयार करना ज्यादा मुश्किल नहीं है।
इस रिपोर्ट के बाद इसराइल ने अपनी सीमाओं पर चौकसी और बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में इसराइल में किसी की एंट्री को और जटिल बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।